चक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। हमारी कहानी शुरू होती है हिमालय के सबसे ऊंची पर्वत कैलाश पर्वत से। यहाँ रहते हैं गणेश जी के पिता भगवान शिव शंकर और माँ पार्वती। शिव जी के सबसे बड़े सेवक नंदी बैल हैं और उनकी बड़ी सी गणों की सेना है। यहीं से शुरू होती है हमारे प्यारे बाल गणेश जी की कहानी। एक बार माँ पार्वती ने नंदी से कहा, नंदी मैं नहाने अपने महल में जा रही हूँ। जब तक मैं आज्ञा न दूं किसी को भी महल के अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते। रास्ते से हटो, अंदर जाने दो। क्षमा करें प्रभु, माँ पार्वती ने कहा है कि किसी को भी अंदर ना आने दें। अरे मूर्ख, ये आदेश औरों के लिए है, मैं तो उनका पति परमेश्वर हूँ। परे हट। आ गए, नंदी ने आपको रोका नहीं? प्रिय, वो मेरा दास है, उस बेचारे की क्या मजाल जो मुझे रोके। पर मैंने उसे पहरे पर बिठाया था, उसे इस तरह मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करना चाहिए था। पर मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझे रोकने का क्या फायदा? आपका कहना सही है प्रभु, पर नंदी का इस तरह मेरी बात ना मानना धर्म संगत नहीं है। क्रोध मत करो प्रिय, उसे क्षमा कर दो, वो थोड़ा कम बुद्धि का है। नहीं, ये नंदी ने ठीक नहीं किया, लेकिन वो भी क्या करता, स्वामी भक्त है, उसे अपने स्वामी को रोकने की हिम्मत नहीं हुई होगी। मुझे एक ऐसा गण चाहिए जो बुद्धिमान हो, साहसी हो और मेरी आज्ञा का पालन करे। मैं खुद एक ऐसा गण बनाऊंगी।
पुत्र गणेश। जी माँ। देखो पुत्र, मैं स्नान गृह में स्नान करने जा रही हूँ। तुम द्वार पर बैठो और जब तक मैं ना कहूँ किसी को भी अंदर मत आने देना। जो आज्ञा माते, मैं किसी को भी अंदर आने नहीं दूंगा। आप निश्चिंत होकर स्नान करें। कहीं खेलने में भूल तो नहीं जाओगे? नहीं माँ, आप चिंता ना करें। क्षमा करे प्रभु, आप अंदर नहीं जा सकते। नन्हे बालक, तुम कौन हो और मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं गौरी पुत्र गणेश हूँ और माता के आदेश का पालन कर रहा हूँ। उनका आदेश है कि जब तक वो आज्ञा ना दे, किसी को भी भीतर आने ना दिया जाए। गौरी पुत्र, तब तो यह आदेश मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैं गौरीपति शिव शंकर हूँ। द्वार से हट जाओ बालक। कदापि नहीं, जब तक माँ आज्ञा नहीं देती मैं किसी को भी भीतर जाने नहीं दूंगा। जिद मत करो नादान बालक, सामने से हट जाओ। ये असंभव है। देखो, तुम मेरे क्रोध को नहीं जानते। रास्ता छोड़ो वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा। परिणाम चाहे जो भी हो, सूर्य पश्चिम से निकल सकता है, चंद्रमा अपना मार्ग बदल सकता है, पर मैं अपने धर्म के मार्ग से नहीं हट सकता। मूर्ख बालक। शांत शांत प्रभु, छोटा सा बच्चा है, इसे मैं समझा बुझा कर हटाता हूँ। समझाने से ना माने तो जबरदस्ती हटा दो। बालक गणेश, तुम मेरे स्वामी का गुस्सा नहीं जानते। बातें मत बनाओ, हिम्मत है तो मुझे हटा कर दिखाओ। मुझे मत ललकारो बालक। डरपोक हो तुम, डरपोक। ऐसी बात है तो मेरी शक्ति का सामना करो। सेनापतिगण, अपने रक्षकों के साथ जाओ और उस हठी बालक को हरा दो। जो आज्ञा प्रभु, चलो। हो रहा। Yeah!
अनर्थ, घोर अनर्थ। भगवान शंकर गुस्से में आकर ये क्या अनर्थ कर रहे हैं? बालक गणेश को प्यार से समझाने के बजाय उसे परास्त करने के लिए गणों की सेना भेजी है। मुझे बीच बचाव करना पड़ेगा। रुको, ये क्या मूर्खता है? एक अकेले बालक से इतने सैनिक लड़ रहे हो? पीछे हटो। पुत्र गणेश, आपको भी इस तरह हट नहीं करनी चाहिए। हट मैं नहीं, पिताजी कर रहे हैं। तुम्हें पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। मार्ग से हट जाओ। पिता की आज्ञा का पालन करूंगा तो माँ की आज्ञा का क्या होगा? और माँ का आदेश मैं कभी नहीं टाल सकता। जिद मत करो, बड़ों की बात मानते हैं। द्वार से हट जाओ। मेरे लिए सबसे बड़ा स्थान माँ का है, मैं नहीं हटूंगा। इसे युक्ति से हटाना पड़ेगा, अन्यथा यदि भगवान शंकर को क्रोध आ गया तो अनर्थ हो जाएगा। देखो बालक, मेरी बात मानोगे तो तुम्हें पुरस्कार दूंगा। पुरस्कार का लालच देकर आप मुझे बहलाना चाहते हैं? ये आपको शोभा नहीं देता ब्रह्मदेव। मुझे दीक्षा मत दो बालक, हट जाओ, नहीं तो। अब डराने लगे, परंतु मैं डरने वाला नहीं हूँ। इसे वश में करने के लिए बल प्रयोग करना पड़ेगा, तुम्हें दंड देना ही पड़ेगा। इस बालक पर ब्रह्मास्त्र चलाना ठीक नहीं होगा। Yeah.
अनर्थ होने वाला है। क्या हुआ प्रभु, आप विचलित क्यों हो गए? सब कुशल तो है ना? देवी, भगवान शंकर का क्रोध चरम सीमा पर है और वो तांडव कर रहे हैं। शिव शंकर तांडव कर रहे हैं? तब तो अवश्य ही कोई घोर विपत्ति आने वाली है। हाँ, हमें जल्द ही उनको शांत करने के लिए कैलाश पर जाना होगा। प्रभु, मैं भी आपके साथ चलती हूँ, इसी बहाने बहन पार्वती से भी मिल लूंगी। वध कर दिया। पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, क्या किया प्राणनाथ? क्रोध में अपने ही पुत्र का वध कर दिया और आप सब देवगण चुपचाप खड़े ये तमाशा देखते रहे। किसी को इस नादान बालक पर दया नहीं आई? क्या एक नन्हे से बालक को हराना इतना जरूरी था कि सभी देवता यहाँ इकट्ठे हुए हैं? बोलिए, आप सब चुप क्यों हैं? शांत हो गया आपका क्रोध इस नन्हे से बालक के प्राण लेकर? नहीं हुआ तो मेरे भी प्राण ले लीजिए। मुझे अपना पुत्र वापस चाहिए जीवित। आपको इसे प्राण दान देना होगा, अन्यथा मैं भी यहीं प्राण त्याग दूंगी। ये आप क्या कह रही हैं देवी? मैं न्याय मांग रही हूँ। मेरा पुत्र निर्दोष था, वो मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था। क्षमा करें देवी, ये असंभव है। तो मेरा जीवित रहना भी असंभव है। यदि इसी समय मेरे पुत्र को पुनर्जीवित नहीं किया गया तो मैं भी प्राण त्याग दूंगी। आपने क्रोधवश अपने ही पुत्र का वध कर दिया भोलेनाथ। अब आपको देवी पार्वती का आग्रह स्वीकार कर बालक गणेश को जीवन दान देना ही होगा, अन्यथा उनकी क्रोध की अग्नि सारी सृष्टि को तहस नहस कर देगी। वास्तव में देवी पार्वती का आग्रह अनुचित नहीं है। क्रोध में आपने जो अनुचित कार्य किया है उसका यही प्रायश्चित हो सकता है भोलेनाथ। अहंकार त्याग कर देवी पार्वती की प्रार्थना स्वीकार कीजिए भोलेनाथ। ये संभव नहीं है। मेरे शस्त्र के प्रहार से जो सर धड़ से अलग हो गया वो फिर से जोड़ा नहीं जा सकता। तब तो एक ही उपाय है, किसी और बालक का मस्तक जो आपके शस्त्र से ना काटा गया हो बालक गणेश के धड़ से जोड़ा जा सकता है। सोचने में समय नष्ट मत कीजिए, तुरंत अपने गणों को आदेश दीजिए। जाओ, किसी ऐसे बालक का सर लेकर आओ जिसका चेहरा उत्तर दिशा में हो और जिसकी माँ अपने पुत्र की तरफ पीठ करके सो रही हो। जो आज्ञा प्रभु। देर मत करो, अगर समय निकल गया तो ये कभी जीवित नहीं हो पाएगा। जो आज्ञा, चलो।
अरे मूर्खो, ये क्या ले आए? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार यही एक बालक मिला, हम उसका मस्तक ले आए हैं। गज का मस्तक? सोचने का समय नहीं है भोलेनाथ, इसी मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो। लो देवी, ये जीवित हो गया। आपने इसे जीवित तो कर दिया प्रभु, परंतु इस रूप में इसे देखकर सब इसका मजाक उड़ाएंगे। चिंतित मत हो प्रिय, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं इसे वरदान देता हूं कि युगों युगों तक लोग इसकी पूजा करेंगे। ये अद्भुत बालक पृथ्वीवासियों का कल्याण करेगा। जब भी कोई शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश का पूजन किया जाएगा। ये बालक
विद्या और बुद्धि का दाता होगा। हर मंदिर और घर में इसकी स्थापना की जाएगी। लोग इसे हमेशा लड्डुओं का भोग लगाएंगे। नंदी महाराज, बस ऐसे ही झुलाते रहो, बहुत आनंद आ रहा है। काश मेरा मूषक यहाँ होता। मैं तो यहाँ हूँ। जैसे वो मुझे अपनी पीठ पर घुमाता है, वैसे ही मैं उसको इस झूले पर झुलाता। क्या बात है। प्रभु, मैं यहाँ नीचे हूँ और मुझे मालूम है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। बालक गणेश। हाँ नंदी। लगता है कहीं से मूषक की आवाज आ रही है, मगर दिखाई नहीं दे रहा है वो। मूषक, अरे कहाँ हो भाई, दिखाई नहीं दे रहे। बाल गणेश आपको बुला रहे हैं। मैं कोई पंछी हूँ जो सब मुझे ऊपर ढूंढ रहे हैं। अरे चूहे महाराज, आपने कहीं हमारे मूषक राज को तो नहीं देखा? कुछ कुछ आप जैसे ही दिखते हैं। अरे ये तो अपना मूषक ही है। नंदी, उसे ऊपर आने दो। हाँ हाँ। मूषक ऊपर आ जाओ। आ जाओ, जल्दी आओ। चलो, आखिर आपने मुझे देख लिया गणेश जी। यहाँ ऊपर आ जाओ। अरे नंदी, जरा धीरे, मूषक जल्दी आओ ना। आ रहा हूँ। देखो कितना मजा आ रहा है। मोटे, कोई बात नहीं, सब लोग खुश हो लो, तुम सबको देख लूंगा मैं। प्रभु। हाँ मूषक। आज सुबह से इतने लोगों के होते हुए मैं ही बुद्धू बनाने को मिला था। मैं जा रहा हूँ, जब आपको सवारी करने का मन करे तो बुला लेना, क्योंकि मैं जानता हूँ आपको मेरी सवारी का आनंद किसी भी झूले की सवारी से ज्यादा आएगा। ओहो, बुरा मान गया। किसी को मेरी परवाह नहीं, जब देखो मजाक उड़ाते हैं। अरे मूषक रुको। तुम तो नाराज हो गए। कभी कभी हंसी मजाक करना चाहिए, इससे दिन अच्छा बीतता है। तुम्हारी सवारी और माँ के हाथों के बने मोदक से ज्यादा मुझे कुछ प्यारा नहीं है। मैं नहीं रुकता, मैं जा रहा हूँ। क्या हो गया मूषक, क्या हुआ? वाह, अरे मूषक इतने डरे हुए क्यों हो? प्रभु अरे मूषक क्या हुआ? अभी तो बड़ा मुंह फुला कर गया था, बड़ी जल्दी वापस आ गया, वो भी चिल्लाते हुए। प्रभु, आजकल लगता है दिन ही खराब है। पहले आप सपने न चाया, आराम करने उधर गया तो एक बिल्ली ने भगाया। प्रभु, उधर एक बहुत बड़ी बिल्ली है। बिल्ली से डर गया? चलो मैं देखता हूँ किस बिल्ली ने मेरे प्यारे मूषक को डराने की हिम्मत की है। अभी उसे मजा चखाता हूँ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, आप ही जाइए। मूषक बिल्ली से डर गया? मूषक बिल्ली, क्या कर रहे हो मूषक राज? बालक गणेश, आप अपने इस मूषक और उसको डराने वाली बिल्ली को संभालिए। भोलेनाथ शिव शंकर का समाधि से उठने का वक्त हो गया है,
मुझे उनको कैलाश की सवारी कराने ले जाना है। मैं जा रहा हूँ। ठीक है नंदी, तुम जाओ। देखते हैं कौन सी बिल्ली है जिसने मेरे मूषक को डराया है। मूषक, कहाँ है वो बिल्ली? सब लोग उस बिल्ली को ढूंढो। कहाँ गई वो बिल्ली? कहाँ है? कहाँ गई? मुझे नहीं, बिल्ली को ढूंढना है। कहाँ गई? वो रही, पकड़ो उसे। आ जाओ सब लोग। तो तुम हो वो बिल्ली जो मेरे प्यारे मूषक को डरा रही थी। रुक, पकड़ी गई। अभी तुझे ठीक करता हूँ। वैसे भी आज मेरा मन खेलने को कर रहा है, तो क्यों ना तुम्हारे साथ ही खेला जाए। ओहो, मुझे देखकर भोली बन रही हो। अब तो तुम्हें सबक सिखाना ही पड़ेगा। तुमने मेरे प्यारे मूषक को डराया, अब मैं तुम्हें मजा चखा कर ही रहूंगा। मूषक, गणेश जी को इतना भगाया, अब मजा चखो। चुप मूषक, अभी तो मुझे इसके साथ और खेलना है। म्याओ म्याओ क्या कर रही है? अब तक तो गए काम से। अच्छा, क्या बोली? अच्छा। अरे मूषक, ये बिल्ली कह रही है कि उसको नहाना है। नहलाओ नहलाओ। क्यों ना इसकी इतनी छोटी सी इच्छा पूरी कर दे। पूरी करो पूरी करो। उसे सबक सिखाओ। Thank you.
अब से किसी चूहे को डराने की कोशिश बिल्कुल मत करना। अजय, मैं करता हूँ ना तुम्हारी मदद। अब जो तुमने सबक सीख लिया है, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगा। क्या हुआ, थक गई हो क्या? बस इतना ही खेलोगी? अगर दोबारा तुमने ऐसे किया तो तुम्हें ऐसे ही सबक सिखाना पड़ेगा। अगली बार तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा। अब जाओ यहाँ से और किसी चूहे को मत डराना। चली गई। सबक सिखाते सिखाते तो मुझे भूख लग गई है। चलो मूषक, चलकर माँ के हाथों से बने मोदक खाते हैं। मोदक मोदक। मजेदार बात मोदक खाते खाते बतानी है। माँ, आप का ये हाल किसने किया है? मुझे उसका नाम बताइए, उसे मैं नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना छुपा हो। तुमने? मैंने? हैं? आपने? हाँ, तुमने। माँ, ये आप क्या कह रही हैं? हाँ। माँ, मैं तो आपको कभी सपने में भी दुख पहुँचाने की नहीं सोच सकता। बेटा। हाँ माँ। आज जो तुम लोगों ने एक बिल्ली को सताया, वो बिल्ली मैं ही थी। आप? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? और माँ, मैं बिल्ली को सता नहीं रहा था, उसने मूषक को डराया इसलिए उसे सबक सिखा रहा था। जी हाँ। तुम तो चुप ही रहो। चुप। मुझे मालूम है कौन कौन लोग ये तमाशा देखकर खुश हो रहे थे। लेकिन माँ, गणेश, इस धरती पर जितने भी मनुष्य, पशु, पक्षी, प्राणी हैं, वो सभी भगवान के बनाए हुए हैं, और मैं किसी न किसी रूप में हर असहाय जीव में समाई हूँ। अगर तुम किसी भी असहाय जीव को कष्ट पहुँचाते हो तो वो दुख मुझे होता है। आज तुमने एक बेचारी, अकेली, कमजोर बिल्ली के साथ जो कुछ भी किया, वो सब कुछ मेरे साथ भी हुआ है। आज तुमने अपनी माँ को बहुत कष्ट दिया है बेटा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। मेरा सबक सिखाने का तरीका गलत था। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनजाने में मैंने आपको इतना दुख पहुंचाया। आप सही कहती हैं, अपनी खुशी के लिए किसी और को तंग करना गलत है। मैं आपसे वादा करता हूँ, आज के बाद किसी और कमजोर को तंग नहीं करूँगा, बल्कि उसकी मदद करूँगा। हाँ, मैं भी। बेटा, मुझे खुशी है तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, और अब तो मेरा प्यारा बेटा बेसहारा जीवों को सहारा देगा। लेकिन ये सब भूखे पेट कैसे होगा? चलो चलो, पता है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे मोदक बनाए हैं, खाओगे नहीं? मोदक के लिए हमने कभी ना कहा है। ये देखो, ये सब तुम्हारे लिए।
माँ आप कितनी अच्छी हो माँ। प्रभु, तारकासुर ने कार्तिकेय को हराने के लिए कैलाश पर्वत पे आक्रमण कर दिया है। भगवान शंकर भी नहीं है, हम क्या करें? घबराओ नहीं, इस तारकासुर का वध हमारे प्यारे भाई कार्तिक के हाथों से ही होगा। हम युद्ध में कैलाश में रहकर अपने भाई का साथ देंगे। आओ अनुज, इस सृष्टि को तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने का वक्त आ गया है। जो आज्ञा भैया, आप निश्चिंत रहिए, मैं अभी इस पापी को उसके कर्मों का दंड देकर इस धरती को उसके पापों से मुक्त करवाता हूँ। ऐसा बालक मेरा क्या वध करेगा? इसको तो मैं चींटी की तरह मसल के रख दूंगा। इसके लिए तो मेरा एक दैत्य सैनिक ही काफी है। हसले अहंकारी मूर्ख, मृत्यु से पहले जितना हंसना है हंस ले, क्योंकि आज के बाद ना तू रहेगा और ना तेरी हंसी। तेरी ये मजाल मायावी बालक, अभी मैं तुझे और तेरे मुट्ठी भर गनों को मजा चखाता हूँ। Oh!
Ah!